सुप्रभात प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता सीखो, पेज नंबर 80। इस कविता में बताया है कि हम जीवन में क्या करके सफल हो सकते हैं और अच्छी अच्छी सीख दी हैं। देखिए, मेहनत से घबराओ मत, आलस मन में लाओ मत, कभी काम से जी न चुराओ, काम करो और आदर पाओ। मतलब हमें कभी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए और कभी आलस मन में नहीं लाना चाहिए कि अरे अभी मन नहीं हो रहा काम करने का, बाद में कर लेंगे। बाद में करने की सोचते हैं तो हमारा काम टल जाता है। इसलिए कभी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, मन से अच्छे से काम करना चाहिए। जो बच्चे काम करते हैं, सबका कहना मानते हैं ना, उनको सब लोग आदर करते हैं, उन बच्चों को कहते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा है, सबका कहना मानता है, समय से काम करता है। हंसना और हंसाना सीखो, खुद भी हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। कांटों में मुस्काना सीखो, अगर आप पे कोई परेशानी भी आ जाती है तो भी आप मुस्कुराना सीखो, उस परेशानी को बैठ के रोना नहीं चाहिए, खुश रहना सीखना चाहिए। महको और महकाना सीखो, मतलब आप ऐसे काम करो कि सब आपकी तारीफ करें, ये है महकना और महकाना, है ना, कि आपकी दूर दूर तक लोग तारीफ़ करें कि वह बच्ची बहुत अच्छी है, सबका कहना मानती है, अच्छे काम करती है, है ना, समय से अपने सारे काम पूरे करती है। दुख को भी सहजाना सीखो, अगर कभी कोई दुख आता भी है तो उसको भी सह लेना चाहिए, वह टाइम कट जाता है फिर से अच्छा टाइम आ जाता है। ठीक समय पर तुम उठ जाओ, सुबह हमें सही समय पर उठना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत देर तक सोते रहना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, समय पर स्कूल पहुंच जाना चाहिए, टाइम पे लेट नहीं जाना चाहिए। लो मेरा यह कहना मान, यह मेरा आप कहना मानेंगे और अब से सदा समय का रखना ध्यान। ध्यान लगाकर करो पढ़ाई, पढ़ाई भी जितनी देर करो ध्यान लगाकर करनी चाहिए, उससे हमें अच्छे से समझ आता है, थोड़े ही टाइम में ज़्यादा। नहीं किसी से करो लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ना भाई बहनों से, ना दोस्तों से, ना स्कूल की सहेलियों से। पढ़ लिख कर विद्वान बनो तुम, और जब पढ़ोगे लिखोगे फिर विद्वान बनोगे, आगे बढ़ोगे जीवन में, और फिर अपनी भारत माँ की शान बनो तुम। भारत माँ की शान यानी कि भारत माँ का तुम नाम रोशन करोगे। गर्मी सर्दी सहना सीखो, यहाँ गर्मी सर्दी से मतलब है कि सुख और दुख हमें सहना सीखना चाहिए, ऐसा नहीं दुख में ज़्यादा दुखी हो जाएं और खुशी में समाए न समाए, तो हमें एक सा रहना चाहिए। हर हालत में रहना सीखो, जैसे भी हालत हो उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। काम दूसरों के भी आओ, और अगर दूसरे को आपसे कोई काम है, कोई काम की कहता है तो वह हमें अवश्य करना चाहिए, है ना, तो वो हमें हमेशा प्यार करेगा, हमारा सम्मान करेगा और हमारा नाम भी होगा। और कोई दुखी जनों के कष्ट मिटाओ, अगर किसी को कोई कष्ट है और आप उसे दूर कर सकते हैं तो उसे अवश्य करना चाहिए। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप चित्र में, इसके दोस्त को चोट लग गई तो इसने बैंडेज लगा दी, आप हाथ पकड़ के उसको उसके घर छोड़ सकते हैं, है ना, वो पानी नहीं ला पाया तो आप उसको पानी दे सकते हैं अपना। किसी कोई भूखा है तो उसे आप मम्मी से कह के उसको खाना खिलवा सकते हैं। बहुत सारे कष्ट हैं लोगों को जीवन में, अगर आप किसी का कष्ट मिटा सकते हो तो अवश्य मिटाओ। तो आपने देखा कि हमें समय से उठना चाहिए, समय से पढ़ना चाहिए, समय से स्कूल जाना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, काम से जी नहीं चुराना चाहिए, दुख और सुख में सदा समान रहना चाहिए।
है ना। और ऐसे पढ़ लिख कर बड़े विद्वान बनना चाहिए, आगे जाके हम भारत माँ की शान बने, अपने भारत देश का भी नाम करें, अपनी माता पिता का भी नाम रोशन करें। तो आपने इस कविता से अच्छी अच्छी सीखें सीखी और उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अमल में लाएंगे।